आपकी नेता है, आपके समाज की नेता है, तो हम सब मिलकर उन अमान्य बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना पूरा टाइम टैलेंट और टेजर देने का यदि काम करते हैं, क्योंकि वो जो समाज पार्टी की रीढ़ की हड्डी सरकारी तंत्र होता है, सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, यदि आप सब लोग यदि खड़े हो जाते हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनने में किसी की कोई ताकत नहीं है। क्योंकि देश की राजधान क्षेत्रीय पार्टी माननीय बहन जी को सहयोग देने के लिए तैयार है। यास में तेजस्वी यादव जी हो, अजीत योगी योगी जी हो, या उधर आपके तेजस्वी यादव जी हो, और तमाम बहुत सारे लोग माननीय बहन जी से अपना संपर्क बनाए हुए हैं। आप देखना, अभी एक महीने बाद इस देश में जो मोर्चा खुल के आएगा, मोदी तो अभी दो तीन पार्टियों के गठबंधन से परेशान हो चुका है। यदि गठबंधन की मोदी बात करता है, उनके पास 38 पार्टियों का गठबंधन करते हैं। अभी तो अखिलेश और तेजस्वी यादव जी के गठबंधन से परेशान है। अभी बहुत सारी पार्टियों का, बहुजन समाज पार्टी को निश्चित तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष को माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग तैयार हो चुके हैं। और हम सबकी नैतिकता जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की रक्षा, हिफाजत और दिशा देना चाहते हैं। आपके पास एक ही नेता है, बाकी सारे गुलाम हैं। रामदास अठावले वो भी श्री राम के चरण में जा गिरा, उदित राज भी श्री राम के चरण में जा गिरा, और तीसरा आप अच्छी तरह जानते हैं पासवान भी श्री राम के चरण में जा गिरे। उन्होंने अपने केवल अपने परिवार के लिए, पासवान जी तो ये कहते हैं मैं उस घर में दीप जलाने चला हूं जो सदियों से अंधेरा हूं, लेकिन पासवान ने तो अपना चिराग, अपने घर का चिराग जलाने का काम किया, अपने दीपक को जलाने का काम किया। ऐसे नेताओं की हमें जरूरत नहीं, आज हमें बहन जी की जरूरत है। हमारे देश को नेतृत्व करने वाली, इस संविधान को दिशा देने वाली, इसको हिफाजत करने वाली, इसकी रक्षा करने वाली, इसमें तमाम जो मौलिक अधिकार मिले हैं, यदि आप इनको जिंदा रखना चाहते हो, इनकी रक्षा करना चाहते हो, इनकी हिफाजत करना चाहते हो, सिर्फ एक ही नेता हमारे पास बची है, जिसका नाम मान्य बहन कुमारी मालती जी है। इसलिए हम सब मिलकर आपसे मेरा अपील है, और मैं आपसे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाते होने से मैं आपका स्वागत करता हूं, और आह्वान करता हूं कि आपको बहुजन समाज पार्टी में पूरा सम्मान मिलेगा। आपके सुख दुख में हम आपके साथ खड़े मिलेंगे, कोई विपत्ति भी पड़ेगी तो उसके साथ में हम खड़े मिलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की धरती पर जब भी वहां सरकार चली, अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को पूरा सम्मान मिला। मेरा मानना है जिस दल का नेता होता है, जिस समाज का नेता होता है, जिस समाज का शासक होता है, उन्हीं समाज के लोगों को आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक सम्मान मिलता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन अपील करना चाहता हूं, यदि हम सब मिलकर, मैं माननीय केपी चौधरी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना प्रयास किया, और हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं हम सबको कि हम सब मिलकर उज्ज्वल भविष्य के लिए माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना होगा। इस देश में जो आज सांसदता की चल रही है, वो चाहते देश में संविधान लागू, हम चाहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लागू। मेरा आखिरी लक्ष्य है कि हम विदेश में हम केवल अम्बेडकर बनाना चाहते हैं, इस देश को बोध में बनाना चाहते हैं, इस देश से हम गांधी को खत्म कर कर एक रुपए से लेके 2000 के नोट पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान देना चाहते हैं। वो कभी मिल सकता है कि हमारा गवर्नर होगा, हमारा राष्ट्रपति होगा, माननीय बहन जी जैसे मोदी ने अपनी कैबिनेट बुलाकर रात के 12 बजे कहा ये जो नोट है ये रद्दी हो जाएगा, इसी तरह माननीय बहन जी भी अपनी कैबिनेट को बुलाएगी और ये कहेगी कि एक रुपए से लेकर 2000 के नोट रात के 12 बजे ये नकली हो जाएंगे, रद्दी कागज हो जाएंगे, इस पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र दिया जाएगा, और हम चित्र देंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, हम सही ऋण उतारने का काम तभी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बधाई, सभी को मेरा जय भीम, सभी को नमो धन्यवाद।